नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 4th of May 2021 के बारे में। 4 मई 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है? क्या चीज़ें आप सभी को करनी है? क्या करने से आप सभी को बचना है? इन सभी के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। 4th of May 2021, चलिए सबसे पहले करते हैं एनर्जी कैलकुलेशन, कैसा रहता है आपका दिन। पहला नंबर, नंबर 4, राहु का नंबर। कंबाइंड कैलकुलेशन जब हम करते हैं दोस्तों तो आता है नंबर 5। नंबर 5 आपका यहाँ पर रहेगा मरकरी का नंबर, बुध का नंबर। यहाँ पर दिन कौन सा है? मंगलवार का दिन है। ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर देखा जाए दोस्तों तो जो कल की जो उदासी थी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, बट एक शातिरपना आपके दिमाग में पनपने लग जाएगा। जी हाँ, आप शातिर होने वाले हैं, खुश हो जाइए। चतुराई आपके दिल में आने वाली है, दिमाग में आने वाली है, बट इस चतुराई का, इस शातिरपने का इस्तेमाल गलत काम के लिए मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मतलब कि बुद्धि तो रहेगी बट बुद्धि का इस्तेमाल आपको सही जगह पर करना है, तो इसीलिए बुध को इंक्रीज करिएगा, राहु को दबाइएगा, मंगल का सहयोग लीजिएगा और साथ ही साथ सूर्य की आराधना ज़रूर करिएगा। आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये दिन जो है, ये दिन दिखने में ख़राब रहेगा बट एट द एंड रिज़ल्ट आपको अच्छा देता हुआ जाएगा। मतलब कि ये दिन उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप सभी की पर्सनल लाइफ के लिए देखा जाए तो ये दिन आप सभी को अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देने वाला है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं तो बेशक आप उस काम को कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से पैसा रुका हुआ है, पैसा आ ही नहीं रहा। जाइए, बात करिए, आराम से बातचीत करिएगा, प्यार से बातचीत करिएगा, कोई रास्ता ज़रूर निकल जाएगा। कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अच्छा सा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। कई नई चीज़ की प्लानिंग भी यहाँ पर हो सकती है, कुछ विचार विमर्श किसी गहन मुद्दे पर भी यहाँ पर किया जा सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ पानी से संबंधित कोई समस्याएं देश और दुनिया में आ सकती है, साइक्लोन की चांसेस बन सकते हैं, हवाएं तेज़ हो सकती हैं, बारिश और मौसम आपको बदलते हुए दिखाई देगा, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, बहुत ही अच्छा दिन है यहाँ पर। शुक्र अपने घर में प्रवेश करेंगे, एक खुशी की झलक हम सभी को देखने को ज़रूर मिलेगी और कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोलेबल रहेगी। देश और दुनिया से भी कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं, साथ ही साथ किसी बड़े हादसे पर भी नज़र रह सकती है, इसीलिए दोनों ही तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो चीज़ें पॉजिटिव साइड थोड़ी सी अच्छी रहेंगी, ऐसी ही मुझे यहाँ पर उम्मीद दिखाई देती है। यहाँ पर राशियों के लिए भी अगर दोस्तों देखा जाए, राशियों में आप मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इन सभी को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी सभी राशियों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर नंबर्स की अगर बात करें दोस्तों तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 7, इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर अगर हम अल्फ़ाबेट्स में बात करें दोस्तों तो अल्फ़ाबेट्स में आप देखिएगा सी वी एम एल आर और आई, इन सभी को थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब चलिए हम बात करते हैं अचूक उपाय की, कि आपको क्या अचूक उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। देखिए, दिन जो है वो थोड़ा सा अप और थोड़ा सा डाउन दोनों ही तरफ ये जा रहा है। इस दिन खासकर पैसों का इस्तेमाल सावधानी से करिएगा, पैसों के लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या किसी भी तरह से पैसे को गैम्बलिंग में या फिर सट्टे में या फिर लॉटरी में इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी के साथ, नुकसान आपका हो सकता है, अपने आप को नुकसान से बचाइएगा, नहीं तो आपको दिक्कतें परेशानियाँ होंगी ही होंगी। बाहर जाते हैं किसी विशेष काम के लिए तो आपको क्या करना है, आपको ब्लू कलर का इस्तेमाल करना है, नीले कलर का इस्तेमाल करिए, बाहर जाइए, आराम से अपना काम करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा।
साथ ही साथ एंजल नंबर्स की भी हमने बात करी थी। आज मैं आपको एक एंजल नंबर बताता हूँ जो कि पैसों से रिलेटेड नुकसान में आपकी मदद करेगा और आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, चाहे तो ब्लैंक पेपर ले लीजिए, चाहे अपने हाथ पर यहाँ पर सेंटर राइट हैंड आर्म पर या लेफ्ट हैंड आर्म पर कहीं पर भी लिख सकते हैं, वैसे राइट हैंड ज़्यादा अच्छा है। आपको क्या करना है, रेड कलर के पेन का इस्तेमाल करना है। रेड कलर के पेन के इस्तेमाल से आपको क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है, नंबर नोट करिएगा, 6677 ये आपको नंबर लिखना है, 6677 इस नंबर को लिखिएगा और दिन में 4 से 5 बार या जितनी बार हो सके नंबर को देखने की कोशिश करिएगा। दैट नंबर विल इंडिकेट यू समथिंग, दैट नंबर विल गिव यू सम रे ऑफ होप। ये नंबर आपको कुछ दिखाएगा, ये नंबर आपको कुछ देगा और ये नंबर एक अंधकार में एक रोशनी देने का काम ज़रूर करेगा। चाहे तो पेपर पे लिख के कहीं पेपर ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर आपको दिखता रहे, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसी जगह रखें कि आते जाते अपने काम में लगते लगते आपको वो दिखाई दे, फिर देखिएगा कि क्या होता है और जो भी होता है वो मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वैदिक उपाय में आपको क्या करना है वो भी आप नोट करिए। बहुत सिंपल सी चीज़ आपको करनी है, कुमकुम सिंदूर, एक ही लाल कुमकुम जिसको हम बोलते हैं रेड सिंदूर कुमकुम, उसका टीका आपको अपने माथे पर लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, सीधे हाथ की इस उंगली से, थर्ड उंगली, रिंग फिंगर जिसको हम बोलते हैं अनामिका उंगली, इससे आपको क्या करना है, अपने माथे पर आपको कुमकुम का टीका लगाना है और कोशिश करिएगा घर के सभी मेंबर के लगा दें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पूरे दिन में आप जैसे मैंने कहा ब्लू कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब भी आप बाहर जाते हैं वो आप कर सकते हैं, और आपको ब्लैक कलर को पहनने से दूर रहना है, थोड़ा सा ब्लैक नहीं पहनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आपको 2 उपाय और करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपके घर पर सरसों का तेल है या कोई भी ऑयल चलेगा, अगर सरसों का नहीं है तो कोई भी ऑयल चलेगा, कहीं पर भी बाहर जाते समय या घर पर भी कोई विशेष कार्य करते समय आपको क्या करना है, उस ऑयल की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिरानी है और प्रार्थना करनी है कि मेरा कार्य हो जाए। बस ये आपको करना है, उस ऑयल की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिरानी है और प्रेयर करनी है कि मेरा काम हो जाए और आपको अपने काम में लग जाना है, आपका काम बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगा। और शाम के समय पे ये काम वैसे आप कभी भी कर सकते हैं। और दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ यह शाम के लिए, शाम के समय अगर हो पाए तो सरसों के तेल का दिया अपने मंदिर में ज़रूर जलाइएगा, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिमाग को शांत रखना है और अपने आप को बैलेंस रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।